सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में केंद्र और कई राज्यों की सरकार ने हाल ही में 4% की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद से उन्हें 50% की दर से डीए का भुगतान किया जा रहा है। वहीं अब आचार संहिता के बीच सरकारी कर्मचारियों को एक और बड़ी सौगात मिली है। दरअसल डीए 50% होने के बाद बच्चों की शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी जैसे कुछ भत्ते ऑटोमेटिकली 25% तक रिवाइज हो गया है। श्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से जारी मेमोरेंडम में कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 50% की बढ़ोतरी के बाद बच्चों की शिक्षा भत्ते और हॉस्टल सब्सिडी का अमाउंट भी रिवाइज किया गया है। ये रिवीजन 1 जनवरी 2024 से मान्य है। ये ऑफिस मेमोरेंडम 25 अप्रैल को जारी किया गया है। इसमें लिखा है कि नियमों में साफ तौर पर लिखा है, हर बार महंगाई भत्ता 50% बढ़ने पर इससे जुड़े भत्तों में 25% तक बढ़ोतरी होगी। डीओपीटी के ज्ञापन में साफ किया गया है कि बच्चों के शिक्षा भत्ते का पैसा बढ़कर 2,812.5 रुपए हर महीने होगा। सरकारी कर्मचारी के वास्तविक खर्चों के बावजूद हॉस्टल सब्सिडी 8,437.5 रुपए प्रति महीना रहेगी। इसमें कहा गया कि सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ते के लिए सामान्य दरों से दोगुना यानी कि 5,625 रुपए प्रति महीना भत्ता मिलेगा। साथ ही इसमें ये भी साफ किया गया है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इसमें कितना खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा विकलांग महिलाओं के लिए बच्चों की देखभाल के लिए विशेष भत्ते की दरों को रिवाइज कर 3,750 रुपए हर महीने के हिसाब से कर दिया गया है। ये सभी रिविजन 1 जनवरी 2024 से लागू है, जब 4% डीए में बढ़ोतरी लागू हुई थी। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें और देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।